तो मैं क्रिटिकल लोगों को, स्पेशली वामपंथी जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, मैं उनको साफ साफ बोलता हूं कि तुम्हारे लिए बजट निराशाजनक रहेगा, क्योंकि खैरात फालतू की नहीं मिलेगी। अलावा अखिलेश मिश्रा जी अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद है। अखिलेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या देख पा रहे हैं आप, भविष्य कैसा नजर आ रहा है आपको भारत का इस बजट के जरिए? देखिए मैम, जो बजट का प्रीव्यू अभी आया है, भारत सरकार के जो लक्ष्य है और जो चुनौतियां हैं वो दो स्तर पे हैं। एक ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे भारत सरकार ये चाहती है कि भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखा जाए, बजट का यह भी एक उद्देश्य होगा। दूसरी चीज, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको भी देखना होगा। कुछ क्रिटिकल लोग जो हर चीज को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ये सरकार ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेगी जिसमें फॉल्स इकोनॉमिक ग्रोथ हो या तुरंत आपको खुशी मिल जाए और संतोष मिल जाए, यानी खैरात वाली चीजें। तो वो जबरदस्ती खैरात तो नहीं मिलेंगी या छूट जबरदस्ती नहीं मिलेंगी, अगर लॉजिकल है तो वो मिलेंगी। देखिए, देश को ये भी देखना है कि हम ऐसा बजट ना पेश करें जैसा कि ये कुछ इकोनॉमिस्ट और बुद्धिजीवी बोलते रहे हैं कि श्रीलंका का बजट और इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत अच्छी है और पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत अच्छी है। जो लोग जबरदस्ती छूट की कि हर चीज में हमें छूट मिल जाए, सरकार को यह भी देखना है कि आपके बगल में जो दो दो देश हैं उनकी इकोनॉमी हमको नहीं बनाना है। कुल मिलाकर इस सरकार का फोकस रहेगा, थोड़ा टफ डिसीजन ये जरूर लेगी, लेकिन हमारा व्यक्तिगत, मेरा व्यक्तिगत पॉकेट कितना भरा है, इससे ज्यादा वो ये देखेगी कि भारत सरकार कितना मजबूत है आर्थिक तरीके से, दुनिया में इकोनॉमिक सुपर पावर वो कैसे बन सकती है, दुनिया भर के इकोनॉमिक लोगों को, प्रोजेक्ट को यहां पे कैसे अट्रैक्ट किया जाए। पहली चीज ये, सरकार हमेशा उस चीज पे फोकस करेगी बजट में जो सॉलिड इकोनॉमिक ग्रोथ देते हैं, ना कि फॉल्स इकोनॉमिक ग्रोथ देते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भारत को, भारत के जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनका परमानेंट सोल्यूशन दे दें। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, आप देखिए ना, दिल्ली मुंबई का एक्सप्रेस हाईवे रिकॉर्ड टाइम में बन के तैयार हुआ है, वर्ल्ड क्लास का। इसके साथ इनको सड़क बनवानी है, 5G के प्रोजेक्ट है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं यहां पे जो कि पूरी दुनिया को इकोनॉमिक अट्रैक्शन या हब बनाएगी, और 5 ट्रिलियन के टारगेट को पूरा करने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। तो मैं क्रिटिकल लोगों को, स्पेशली वामपंथी जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, मैं उनको साफ साफ बोलता हूं कि तुम्हारे लिए बजट निराशाजनक रहेगा, क्योंकि खैरात फालतू की नहीं मिलेगी।